केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें किसी भी तरह के कोल क्राइसिस की संभावना को खारिज किया। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी पूरी देखी आर के सिंह जी की, और मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं। और जो ये कह रहा है, कोई सरकार अगर ये कह रही है कि क्राइसिस है तो वो गलत कर रहा है। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। इससे ये साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार आज जिस मोड़ में पहुंच गई है उससे ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार चल नहीं रही। वो बहाने ढूंढ रहे हैं, क्राइसिस से भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं, इनसे देश चल नहीं रहा। थोड़े दिन पहले जब देश में ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था तो पूरे देश में इस बात का शोर मचा, राज्यों ने शोर मचाया, डॉक्टर्स ने शोर मचाया, राज्य सरकारों ने खूब बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, मिसमैनेजमेंट हो गया, थोड़ा क्राइसिस है, आप कुछ करिए। डॉक्टर्स ने बोला, पेशेंट्स के अटेंडेंट ने बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बेशर्मी से कहती रही कि ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है, ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है। जो भी राज्य बोलता था, दिल्ली ने भी आवाज़ उठाई, दिल्ली ने भी कहा ऑक्सीजन की कमी है, ये बोलते थे गलत बोल रहे हैं, मजाक बनाते थे उनका, बोलते थे झूठा सिद्ध करने की कोशिश करते थे राज्य सरकारों को। और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा, कितनी मौतें हुई, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ठीक समय पर आंख बंद करके बैठी रही, मुंह फेर के बैठी रही, और उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि पूरे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस को हल किया जाए। आज फिर से वही सिचुएशन आन बढ़ी, पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है, और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा, देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं, और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी। और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है, और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है आईटी क्राइसिस, हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। ये देश को गड्ढे में डालना चाह रहे हैं, देश को एकदम ठप कर देना चाहते हैं। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद पर अड़ जाते हो कि नहीं राज्य गलत कह रहे हैं, राज्य गलत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं। इससे कोल क्राइसिस तो खत्म नहीं होगा ना, आंखें बंद कर लेने से कोल क्राइसिस खत्म नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए। ये राज्य सरकारें, इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के स्तर पर मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकारें सहयोग से चलती हैं, सरकारें इस चीज़ से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो, इससे नहीं चलती है सरकार। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र, अगर देश के सामने कोई क्राइसिस आ रहा है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सबको मिलकर उसका प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई क्राइसिस नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, मुंह फिर के बैठ जाओ। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.